अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह, रिसेप्शन कम रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहां कोरोना मरीज यहां आने के बाद पहली बार अस्पताल के कर्मियों के साथ इंटरेक्शन करेगा। और क्या क्या सुविधाएं हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ चल के हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ इनको मिलेंगी, यहाँ इंटरेक्शन होगा। सेपरेट एंट्री क्रिएट की गई है, बिल्कुल यहाँ के वार्ड के नियम कानून बताए जाएंगे उसे कि उसे कैसे आगे यहाँ पे अपना रहने वाला समय बिताना है। यहाँ अच्छा, बिल्कुल सेपरेट एंट्री है, सेपरेट एंट्री है। इसके उपरांत ये हमारा रूम्स चालू हो जाएंगे। कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी है जी, वो आ रहे हैं। हम लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया है कि हम लोग तैयार हैं। यहाँ ये कमरे किसी सुविधा, अस्पताल जैसी सुविधा नहीं, बल्कि क्वारंटाइन के दौरान उनको घर जैसी सुविधा ऐसा लगेगा। अटैच लेट बाथ है, इसके साथ ही एलईडी टीवी लगा है। लोग यहाँ आराम से सुकून के साथ रह सकते हैं। जो यहाँ सेवा में लोग लगे हैं उनको भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो, और साथ ही उस मरीज को भी सारी चीजें समय समय से मिलती रहे। सिमीटर भी लगाया गया है ताकि किसी को अपना चेक करना हो तो कर सकते हैं, और वो सारे नियम। लेकिन उसके पहले सारे इंस्ट्रक्शन हैं। पहले यहाँ पे एक आपका नर्सिंग स्टाफ रहेगा। अच्छा, जो पहले इशारे से बताएगा कि आप सबसे पहले सैनिटाइज कीजिए। अच्छा, वो बताएंगे कि आपको फीवर या कोई ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर उससे जांच करनी है, पहले पूछेंगे तो वो बता देंगे कि आपको ये कौन सी उंगली में कैसे लगाना है और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया है। वो पूछेंगे फीवर तो नहीं है आपका, आप और हमने एक थर्मामीटर सबको, सारे पेशेंट्स को दे रखा है। मरीजों को जो यहाँ पर आइसोलेशन में रहेंगे उनको खाने पीने की जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल के कैंटीन उनके लिए उपलब्ध है। और यहाँ ये सिस्टम किया गया है कि जब उधर से वो यहाँ बताएंगे कि टेलीफोन से कि उन्हें क्या चाहिए, और उधर जो स्टाफ है वो पहले इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप सैनिटाइज करिए, फोन उठाइए, फोन उठाने के बाद फिर वहां से जो भी सामान चाहिए वो ये बताएंगे। स्टाफ वहां से सामान यहां अंदर रखेगा, और एक बार में अगर उधर का गेट खुला है तो ये गेट किसी भी सूरत में खुल नहीं पाएगा।